नमस्कार साथियों, मैं आप सबकी साथी सादिया आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नए अक्षरों के साथ, कुछ नए पुराने किस्से बताने। चाची, आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं, जरा हमें भी तो बताइए। मेरी बेटी निशा ने मुझे ये नया फोन दिलाया। इस फोन से मोबाइल रिचार्ज, बिजली और गैस का बिल भरना, पैसे भेजना, ये सब कितना आसान है। अब दफ्तरों और विभागों के चक्कर काटने का झंझट ही खत्म। हाँ चाची, ये तो अच्छी बात है। मोबाइल से तो आप किसी को भी जब चाहे पैसे भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ, कल मेरी बेटी ने मुझे इस पर वीडियो कॉल किया था। हमने ढेर सारी बातें की। उसने मुझसे पूछा कि कहीं मैंने फोन पर किसी को अपने एटीएम कार्ड का नंबर तो नहीं बताया या फिर पिन। सादिया जी, क्या आप जानती हैं, थोड़े दिन पहले मुझे एक फोन आया था जिसमें वो मुझसे मेरे बैंक खाते की पूछताछ कर रहे थे। मैंने तो उनको कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं बताती तो वो मेरे बैंक खाते में से पैसे निकाल लेता। ऐसे तो मैं घर बैठे ही लूट जाती। हाँ, अच्छा किया चाची, अब तो इन सभी ठगों से बचना सीखना होगा। कोई भी बैंक कर्मचारी आपसे कभी भी फोन पर आपके बैंक खाते की जानकारी नहीं लेगा, ये सब साइबर ठगों के काम है। बिल्कुल ठीक कहा। तो चाची, क्या आप जानती हैं आज के अक्षर कौन कौन से हैं? आज के हमारे अक्षर हैं श और श। जरा बोल के तो देखिए, शेर का शा, षटकोण का श। देखिए, आज मैं कुछ चित्र कार्ड लेकर आई हूँ, चलिए पढ़कर देखते हैं। शेर, शीशा, शेरवानी, षटकोण, भाषा, कोश। ये तो आपने कार्ड देखकर बताया, अब आप अपने आप सोचकर नए नए शब्द बताइए। नाशपाती, शामियाना, शंख, वर्षा, पुरुष, भीषण। आप लोग अपने दोस्तों के साथ और भी शब्द बनाइएगा, तब तक चलिए एक कविता गा लेते हैं। शेर दहाड़ लगाता है, जंगल में शोर मचाता है, खरगोश देख डर जाता है, दूर भाग वो जाता है। इस कविता में श अक्षर के कितने शब्द आए हैं, चलिए देखते हैं। शेर, शोर, खरगोश। घुमंतु चाची, अब जरा श लिखना भी सिखा दीजिए। हाँ जरूर, पहले इस तरह लिखा अंक 2, साथ में एक खड़ी रेखा बनाई,
ऊपर शिरोरेखा खींचकर शक्ल हमने श की पाई, ये बन गया श। चाची, शा लिखना कितना आसान था। अब कुछ शब्द बताऊं शा से। शाम, शहद, शलगम। शा लिखना हमने सीख लिया, कुछ शब्द भी सोच लिए। अब बारी है शा की। पहले लिखा अंक चार, अंदर खींची आधी रेखा, उस पर लगाकर शिरो रेखा, श का हमने आकार देखा। ऐसे कौन से शब्द हो सकते हैं जिनमें श हो? धनुष, वर्षा। अरे वर्षा से ध्यान आया, बारिश के बाद इंद्रधनुष भी तो निकलता है, कितना सुंदर दिखता है ना चाची। एक बात पे गौर किया, इंद्रधनुष में भी तो श आता है। हाँ, पढ़ना लिखना तो हो गया चाची, अब अपने पिटारे में से निकालिए कौन कौन से खेल हैं। चलिए अब हम एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम है शब्द जोड़कर वाक्य बनाओ। उदाहरण के लिए शब्द है शिल्प, और शिल्प से मैंने वाक्य बनाया, मेले में दिखेंगे बिहार के विभिन्न हस्तशिल्प। और अब है आपकी बारी। तो मेरा पहला शब्द है नाशपाती। हरी पीली बड़ी रसीली नाशपाती। बिल्कुल ठीक कहा। अब दूसरा शब्द है वर्षा। वर्षा की फुहार लाई है बहार। बिल्कुल सही, आप लोग बहुत अच्छी तरह से शब्द जोड़कर बात कह रहे हैं। अब मेरा शब्द है शोर। बाहर बहुत शोर हो रहा है। आप सबने बहुत अच्छी तरह से ये खेल खेला, अब अपने दोस्तों के साथ भी खेलिएगा। आज हमने सीखे दो नए अक्षर श और श। श और श से नए नए शब्द बनाए, श और श से संबंधित नए नए खेल खेले। एक एक कर हम आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। आप अपने साथियों को भी बुलाइए, उनको भी हमारे साथ जोड़िए। अपने आसपास लिखे शब्दों को पहचान कर उन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिए। अपने साथियों को भी पढ़ाइए, उन्हें मुश्किल हो तो उनकी मदद कीजिए। अगले कार्यक्रम में कुछ और नया सीखेंगे। नमस्कार।